हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जून मंथ के लिए रीडिंग। जून महीना आपके लिए कैसा रहेगा, जून मंथ में आपको कैसे अवेयर रहना है और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है, ये हम जानेंगे आज के इस रीडिंग में। लास्ट में मैं आपको एक हीलिंग सिंबल भी दूंगी जिसकी वीडियोस पहले ही मैंने बनाई हैं, और उस सिंबल को यूज करके आप अपनी लाइफ में किस तरह पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जून मंथ के लिए वृश्चिक राशि की रीडिंग। जून महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है, कैसा जाने वाला है। शेयरिंग, पार्टिसिपेशन, एक्सिस्टेंस, पेशेंस, बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। वाओ, बियॉन्ड इल्यूजन। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, अगर आप कार्ड्स में समझते हैं तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। जून महीना आपके लिए, मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो अपने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कहूँ कि कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो और मन से भी बहुत ब्यूटीफुल हो, एंड बहुत ही पैशनेट एनर्जी जिसकी हो यहाँ पर मुझे लग रही है। फेम हो, नेम, फेम, सक्सेस सब उसकी लाइफ में हो, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है इस जून महीने। आपका उससे सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी के भी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। रोका हो सकता है, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कनेक्शन आपका होगा उस पर्सन से, लाइक आपको लगेगा कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जो भी हम बॉन्डिंग जैसा हम देखते हैं वो बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसी ऐसी आपकी कोई विश पूरी हो जाना जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, भगवान को बोल रहे थे कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, प्लीज भगवान पूरी हो जाए, तो वो विश भी इस महीने आपकी पूरी हो सकती है। एग्जिस्टेंस कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। पेशेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे और तसल्ली करके बैठे हुए थे कि यस ये काम मेरा हो जाए, बस मैं वेट कर रहा हूँ हो जाए, तो एट द लास्ट जून के लास्ट दिनों में आपका वो काम हो सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ दिखा रहा है कि वो ही, जैसा कि कह रही हूँ कि भगवान ने सुन ली हो, वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपने कोई विश मांग रहे थे बहुत टाइम से और वो भगवान ने सुन ली, तो डेफिनेटली वो विश जून महीने में पूरी होने वाली है। कोई काम ऐसा है जो आप करना चाहते थे तो वो जून महीने में होने वाला है। टू ऑफ स्वॉर्ड कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि किसी दो दो प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हो तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर ये कहे कि बहुत ही टफ कंपटीशन है, दो पर्सन आपके साथ है और बहुत टफ कंपटीशन आपका चल रहा है, तो उसमें भी जीत आप ही की होने वाली है। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और शेयरिंग कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि यस, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको नई गाइडेंस मिलेगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और हो सकता है कि नया पाथ आपको मिले कि यस इस काम को इस तरह करना चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप जून महीने में लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के साथ आप जॉइंट वर्क भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, और जॉब आपकी लग सकती है, नई जॉब आपको मिल सकती है, या फिर जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। एंड किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल कोई भी ऐसी चीज़ से आप जुड़ सकते हैं जहाँ आपको अपने आप को मेडिटेट करने का मौका मिले, अपने आप पर वर्क करने का मौका मिले, तो डेफिनेटली उससे आपकी लाइफ में पेशेंस आएगा, पीस आएगा और एक अच्छा सुकून आएगा, तो वो भी चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक बात, अगर
आप बहुत टाइम से खुद की केयर नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि खुद पे आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद की केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये महीना खुद को सजने संवारने का भी दिख रहा है। आप अपने आप को भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आपके हेयर कट चेंज कर सकते हैं, हेयर कलर करवा सकते हैं, आपकी स्किन में चेंजेस हो सकते हैं, नए कपड़े आप अपने लिए खरीद सकते हैं, नई शॉपिंग करते हुए मुझे आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंसेस्टर एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल एंसेस्टर मैसेजेस, शिफ्ट योर परसेप्शन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ट्रस्ट योर टैलेंट, द सन। सन की एनर्जी आई है यहाँ पर स्कॉर्पियो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो सक्सेस और हैप्पीनेस की बात कर रही है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही सक्सेस वाली लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है जून मंथ से, तो डेफिनेटली सन कार्ड भी यहाँ यही इंडिकेट कर रहा है कि ये समर सीजन भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। समर सीजन में आपकी सारी विशेस पूरी हो सकती है और सक्सेसफुल भी आप रहने वाले हैं, खुद ही क्रिएट करेंगे आप देखना। ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला, कुछ स्पिरिचुअल आप सीख सकते हैं और खुद पर वर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो एक हाई प्रिस्ट की एनर्जी बन गई है। आप यहाँ पर अपने लिए मनी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अबंडस मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद के पावर से आप हीलिंग कर रहे हैं और खुद के लिए ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट योर टैलेंट, अपने टैलेंट पे विश्वास रखें, आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। जो पुराना है वो आप रिलीज कर चुके हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। आपने अपना नज़रिया बदल लिया है जीने का, आपने अपने काम का स्टाइल चेंज कर लिया होगा, आप मैंने जैसा बोला आप खुद पे भी वर्क कर रहे हैं, आपने खुद का भी स्टाइल चेंज कर लिया है या फिर जून मंथ में आपने करना स्टार्ट कर देना है। और जो पुराना है उसको एकदम हटाकर एक नई एनर्जी के साथ आप निखर के बाहर आने वाले हैं, एक अपने आप को ही एक अलग आप दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है वृश्चिक राशि। यहाँ पर एंजल के मैसेजेस आपके लिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओहो बहुत सारे मैसेज आपको चाहिए आपके लिए, ठीक है। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ बात कर रहा है आपके रिलेशंस की, तो यस सारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए वो आपको मिलने ही वाला है वृश्चिक राशि इस महीने। और इंटीग्रिटी कार्ड यहाँ दिखाता है, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। यस, कभी कभी हम अपने आप को ही डिमोटिवेट करते रहते हैं, डल फील करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो ऐसा ना सोचे, अपनी वैल्यू को बताएं अपने एक्शंस के थ्रू। कुछ आप करना स्टार्ट करेंगे तभी लोगों को समझ आएगा कि आप कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को डाउन ना करें, अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वो एक्शन आप जून महीने में ज़रूर लेंगे। अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाएंगे, प्लस जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके, लेट गो करके आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, डेफिनेटली आप आएंगे। अपने काम में आप बहुत सक्सेसफुल रह सकते हैं, वहाँ आपको फेम मिलेगी और नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने मिल सकती है। कोई भी अपने काम के साथ एक नया काम आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ ऐसा काउंसलिंग वाला काम, लोगों को सही पाथ दिखाना, टीचिंग वाली जॉब यहाँ पर आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल लाइन में है तो डेफिनेटली लोगों को गाइड करते हुए भी मुझे यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं। अपनी इंट्यूटिव फीलिंग से, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस के थ्रू आप लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, उनके मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, लोगों की हीलिंग आप कर रहे हैं, हीलिंग सेशन के थ्रू आप लोगों को बहुत पॉजिटिव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें से कुछ भी आप अपने वर्क के साथ एड ऑन करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
और जो भी आपके एक्शन होंगे, आपकी लव लाइफ जो है, जो बहुत थोड़ी डल मुझे यहाँ दिख रही है, उसमें बहुत चेंजेस आएंगे। आप देखेंगे कि एकदम से वो सडनली चेंज हो गई है, बहुत नए नए मतलब बहुत ही न्यू आपके साथ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं जीवू सिंबल, और इनकी वीडियोस मैंने पर्सनली बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी सिंबल आपके लिए आ जाता है, उसको आप डेली हीलिंग कर सकते हैं, उसके साथ बहुत ही आसान है। मैंने वीडियो में बताया है कि किस तरह आपको उसके साथ हीलिंग करनी चाहिए, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। जीवू सिंबल फॉर वृश्चिक राशि। हो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल आपके लिए आया है। विश्वास रखें, आपका काम होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। आपके विश्वास से आप अपनी ये सारी विशेष को और ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो डेफिनेटली अपनी होप को नहीं खोते हैं, वो अपनी होप के सहारे अपनी सारी विशेष को पूरी कर सकते हैं। तो इस सिंबल को यूज करें और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे से मेरे साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।